तुसी टीवी दे सारा कुछ अदाकारा मर जाए, गुलुकार मर जाए, जो दुनिया जहान दा जो कुछ हो जाए, रोन के जी बड़ा मिल्लत दा नुकसान हो गया। तुसी किसे एक पासे भी नहीं सुनोगे कि आज जनाब गाजी इस्लाम गाजी नामू से रिसालत गाजी मुद्दीन शहीद दौर सो रहा। और मैं जाती हैसियत ना आज लाहौरिया ना गिलिया कि गाजी होवे इल्मुद्दीन के उस दौर से इस तरह हो रहे होवे। नहीं 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 ऐश यूसी वाले केड़े भाई ए गाजी इल्मुद्दीन दौर से तुम मनांदे रहे हैं नहीं कि नहीं मनाया अस असेंबली हाल चौक च बैठ के मनाया मनाया बाबा जी होने मनाया असि फैजाबाद जाके मनाया ए गल नहीं लेकिन ऐश यूसी केड़ी है यूसी 172 यूसी ते पीपीआ केड़ियां केड़ियां चारों पासो सारिया पीपियां गाजी साहब दौर से इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। ये मौत जो के सिर्फ खावे जनाब खाबे जो के जनाब पावे ते खदा जो के ने लौरी है किस मर्ज की दवावन एन तो जनाब दुनिया नु पता लगे कि गाजी इल्मुद्दीन दौर से आया भाई। लाहौर रंग मनाया जा रहा है कि जनाब बाहर जड़ा आ रहा है इन्होंने जनाब हाँ जी फेस्टिवल मनाया जा रहा है और लाइनो फेस्टिवल ना मनाओ इल्मुद्दीन मनाओ। हाँ इल्मुद्दीन फेस्टिवल तो सब मनाना सी कौम दसो उधर वो मलून गुस्ताखियां करन तुसी इधर कौम नु नचाओ टपाओ तुहाडा तो काम सी कौम नु बच्चे बच्चे नु बुला के दस दे कि ए इल्मुद्दीन जे और बड़े हो के वो कहंदे कि असी भी गाजी इल्मुद्दीन बढ़ना असी भी मुमताज कादरी बढ़ना जे तुसी नचा टपा रहे हो तो फिर कौम कोलो तवक्को ना रखो कि फिर तुसी ये तवक्को ना रखो कि तुहाडी खातिर कोई मिल्लत दी खातिर कोई पाकिस्तान दी खातिर जान देगा जान कायनात च इक्को ना ते दित्ती जा सकदी हो हुजूर दा नाम बस ऐसे तरबियत करनी चाहिए थी ऐसा जनाब पूरे पाकिस्तान में इल्मुद्दीन फेस्टिवल मनाया जाना चाहिए थी और कौम को दसना चाहिए थी कि इल्मुद्दीन कौन सी तरहाना का मुंडा पहुंचा कितने तक और गाजी इल्मुद्दीन जब गाजी इल्मुद्दीन के जनाजे का ऐलान होया आज भी अंग्रेज दियो वारिस अंग्रेज दियो जनाब रूहानी औलाद और जिस्मानी औलाद आज भी साढ़े ते मुसल्लत है उदो भी जनाब उन्होंने यकीन दहानी कराई कि असी मुसलमान जनाब गाजी इल्मुद्दीन का जनाजा नहीं होने देंगे और उन्होंने जनाब गाजी इल्मुद्दीन तकदार लटका के लावारसा के कब्रिस्तान में मियां वाली दफन कर दिता। ये तो फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल गया उन्हें जनाब अपनी शख्सी जमानत उत्ते गाजी इल्मुद्दीन का दस्ते खातरी जो लाहौर लाया तो फिर जनाब मियाणी साहब के जनाब दफरान की गल हुई तो जनाब जो पता लग गया सारी दुनिया उमड़ आई गाजी साहब के जनाजे वास्ते तो जनाब फैसला होया कि गाजी साहब का जनाजा कौन पढ़ाएगा उन्होंने कहा सैयद दीदार अली शाह पढ़ाएगा तो जनाब जो एन लखा का मजमा तो पीर सैयद दीदार अली शाह साहब फुटे सैयद जो एन करके जनाब सफर चीरते हुए जनाब पहली साफे पहुंचे ना एन करके अखा खोलियां गश खा के चल डिग पै तो जनाब लोग पानी के छटे मारे होश आए उन्होंने कहा शाह जी फुटे शायद जनाब धक्के लगन की वजह से शायद हबस होने की वजह ना शाह जी बेहोश हो गए शाह जी कहना गल नहीं है गल में छो रहे उन्होंने कहा शाह जी होया कोई है फरमाया मैं पहली साफे च इमाम अलंबिया और शादी रोंदे जान और नाल कहन या रसूलल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई सारी जिंदगी दीन पढ़ाया सारा कुछ कीता सारा कुछ जनाब दीन की खिदमत की थी लेकिन आज तुसा कदे दीदार नहीं कराया आज इल्मुद्दीन दे जनाजे में बरफ से नफीस को तशरीफ लाए है गल। और फिर जो दफना जनाब सैयद दीदार जनाब जमात अली शाह साहब आ गए यह तारीख जो पुछनी साढ़े को ले दे के ने तारीख से ये याद है औरंगजेब जालिम था जफा कश था हिंदू कुश था इन्हों तारीख तो यही याद है इन्होंने तारीख इन्हें कभी भी नहीं दसना अज उत्तो लैके थले तक कोई एक बंदा जिहाद की गल कर रहे हो ए सदा जनाब के अंदर है कि तारीख में हमने ये पढ़ा जब हलाकू खान बगदाद के अंदर आ रहा था तो उलमा मसवाक की जनाब साइज नाप रहे थे मूंछों में सफेद बाल निकालना नाप रहे थे मैं कब बकवास करते हो आज भी उलमा ऐसे खड़े होके असी बामे उलमा दे खादिम सही उन्होंने पापोश बरदार सही मशायर दे खादिम सही उन्होंने पापोश बरदार सही सजदा दे जनाब नौकर सही असी ऐसे खड़े होके कह रहे हैं लाओ मैदान लाओ गौरी लाओ शाहीन लाओ हतब ऐसे असी खड़े होने जे तुहानू डर लगता ते वर्दियां सानू पवा के पहली साबे जाएगा।
से डरते हो, अमेरिका से डरते हो, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा। आ कुरान कहता तानू हो कि क्या तुसी लड़ते क्यों नहीं अल्लाह दी राह में, उन्हें कमजोरों वास्ते, उन्हें बच्चों वास्ते, उन्हें बुढ़िया वास्ते, उन्हें माइया वास्ते, उन्हें औरतों वास्ते, और लड़ते क्यों नहीं तानू हो कि क्या, असी भी पूछते हो तानू हो कि क्या, अपनी जात वास्ते तो तुसी बड़े गैरतमंद हो। हाँ वो पूरे जनाब पूरी दुनिया में एक इंसान का कत्ल, सारी इंसानियत का कत्ल। मैंने कहा वो हम समझ गए हैं कि तुम एक इंसान का कत्ल किसको समझते हो, एक उस्ताख के कत्ल को तुम इंसानियत का कत्ल समझते हो, फलस्तीन के दूध पीते बच्चे का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, फलस्तीन के जवान का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, इराक के जवान का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, गजा के मासूम जनाब छोटे बच्चों का, महफूज बच्चों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, उन बेटियों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, अस्पताल में मरने वालों का कत्ल तो कत्ल नहीं ना, उस्ताद का कत्ल कत्ल है। अभी तक ये है अंग्रेज की तालीम, मैं नाम लेता हूँ, ये है अंग्रेज की तालीम के साथ। कल वो खड़ा होकर एक बच्चा उसको कह रहा था कि जनाब अकलियतों के मंदिरों को और जनाब अकलियतों की इबादतगाहों को आग लगी तो आपने इसके लिए क्या किया। मैंने कहा ये बाल निकाह तालीम की निजाम में डालकर इसके खुदी को हो जाए मलाहिम तो चाहे जिधर फिर, और बच्चे तुझे जनाब अकलियतों के तहफ्फुज़ के लिए बात तू बिल्कुल कर, तो जनाब चर्चों के तहफ्फुज़ की बात बिल्कुल कर, लेकिन तुझे चर्चों की दीवारें तो नजर आई, फलस्तीन और जनाब बैतुल मुकद्दस की खून से रंगीन दीवारें तुझे नजर इसलिए नहीं आई कि तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया यूरोप ने, तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया इस तालीम ने, और एक बार कहता तालीम के निजाम में डालकर इसकी खुदी को, सोने का हुमाला हो तो मिट्टी का एक ढेर। खुदा की कसम जब वो कल खड़ा हुआ था और कहते हैं लाहौर की बड़ी यूनिवर्सिटी से, मैंने कहा वो मुझे खास से भी नीचे नजर आया कि जिसको अकलियतों के जनाब जनाब ईसाइयों के चर्च की दीवारें तो याद रहीं, फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस के बच्चों के बहते हुए खून की नदियों से याद ना आई। आज मैं बरमला कहता हूं कि हमारा मुकाबला कुफर से बाद में है, इन इदारों से निकलने वाले उन जनाब मगरबी पिल्लों से है जिनको यूरोप की उसका इतना दर्द है उसका कि जनाब चर्च की दीवारें चली, और जनाब मैंने कहा बैतुल मुकद्दस का जनाब मस्जिद अक्सा का सहन लहू लहू हो गया और टुकड़े और चितड़े उड़ गए, और जनाब बम्बों से गिरा कर उन्होंने फास्फोरस बम मार दिए, तुझे वो याद नहीं और तुझे इतना याद है कि उसका चर्च जला। मैंने कहा गिला तेरे पर नहीं है, गिला इन लाइनों पर है जिन्होंने तुझे ये तालीम पढ़ाई। इबाल कहता गिला जफाए वफा नुमा हरम को जो अहले हरम से करूं, किसी बुत गधे में बयान करूं तो सनम भी कह दे हरी हरी। मैंने कहा तेरी शक्ल किसी बुतखाने में जाकर खड़ा करूं कि ये मुसलमानों का बच्चा है तो जनाब बुत भी खड़ा होकर कहेगा वाह वाह यूरोप तेरे कमाल पर कमाल जाए, तूने हुनर का कमाल कर दिया, तूने अपने बरकत तबी का कमाल कर दिया, मुसलमानों के बच्चों से वो मुंह से वो जो अल्फाज निकलने से कि लब्बैक या अक्सा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या गजा, आज उसको दर्द हो रहा है एक चर्च का। मैंने कहा सुन अगर तुझे चर्च का दर्द है तो तुझसे ज्यादा दर्द हमें फिर बैतुल मुकद्दस का है बैतुल अक्सा का है, अगर ये बात खुल ली गई है तो लो सुनो फिर हमें चर्च का कोई दर्द नहीं, हमें बैतुल मुकद्दस का दर्द है, हमें गजा का दर्द है। या रसूल अल्लाह